हाय गाइस, हम लोग टू डायमेंशनल एरे के बारे में अभी जानेंगे। टू डायमेंशनल एरे का डिफिनेशन लिखा हुआ है, टू स्क्रिप्टेड वेरिएबल इज रेफर्ड टू टू डायमेंशनल और मैट्रिक्स एरे। मीन्स जिसमें दो सब स्क्रिप्ट हो उसको हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, दो सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा। ऐसे तो मैं पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये एक ये ए है, एरे नेम है। ठीक है, यहाँ मैंने दिया टू, ये पहला इसका सब स्क्रिप्ट हो गया, और इसका फिर मैंने दिया थ्री, तो ये एक दूसरा हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ, ये पहला सब स्क्रिप्ट, ये दूसरा सब स्क्रिप्ट, ये दो सब सब स्क्रिप्ट है इसमें, इसलिए ये क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो यही हमारा टू डायमेंशनल एरे पहचानने का तरीका। टू डी एरे में हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे इनिशियलाइजेशन पर, कि कैसे इसका वैल्यू इनिशियल डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं और किसका क्या मीनिंग है। तो एक सेंटेंस लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ लिखा है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। इंट डाटा टाइप है मेरा, एरे नेम है, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है थ्री और टू, साइज दिया हुआ, ये साइज वन साइज टू है। ठीक है, सब सबस्क्रिप्ट वन सबस्क्रिप्ट टू है। ठीक है, तीन लिखा हुआ है मीन्स ये नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी टू क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है। अच्छा, इसमें हम लोग टू डायमेंशनल एरे में हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना एलिमेंट हम लोग का टोटल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि थ्री इंटू टू, और इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होकर आएगा सिक्स, यह क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स होगा, यानी कि छह एलिमेंट्स हम लोग इस डिक्लेरेशन में स्टोर कर सकते हैं। ये क्या करेगा, छह लोकेशन आपको क्रिएट करके देगा नंबर स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर है। और एक चीज़ क्या है कि ये थ्री, ये जो पहला जो साइज है, ये पहला साइज होता है रिस्पॉन्सिबल रो क्रिएट करने के लिए, और ये जो दूसरा साइज होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉलम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये ओनली टू डी में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हमने इसको इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अभी हमने इसको इनिशियलाइज किया है, देखिए इसका डिक्लेरेशन के समय, तो इसका क्या मीनिंग हुआ। ठीक है, ये आपको समझना है। अभी थ्री लिखा हुआ यहाँ पहले वाले में, यानी कि मैंने क्या कहा था, थ्री वाला रिस्पॉन्सिबल होता है रॉ क्रिएट करने के, यानी कि ये थ्री रॉ क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये यहाँ टू लिखा हुआ, यानी कि ये टू कॉलम्स क्रिएट करेगा। देखिए कैसे रॉ और कॉलम्स क्रिएट करता है, यहाँ मैंने ये आपको सेट ब्रैकेट देना है। सेट ब्रेकेट देने के बाद ये आपका पहला रो बनेगा, ये आपका दूसरा रो बनेगा, और ये आपका तीसरा रो बनेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका पहला कॉलम बनेगा, ये आपका दूसरा कॉलम बनेगा। ठीक है, और आपको फिर सेट ब्रेकेट बंद कर देना है। ठीक है, ये जो तरीका है, ये जो पूरा तरीका है इनिशियल करने का, ठीक है, डिक्लेयर करने का, ये आपको याद रखना है कि कैसे हम इसका डिक्लेयर करते हैं वैल्यू। ठीक है, इतना तक क्लियर है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन इसका लोकेशन कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ थ्री लिखा हुआ, यानी कि थ्री रोज क्रिएट होगा, यानी कि ये ज़ीरो वन टू, ये थ्री रोज हो गया, वन टू थ्री, ये थ्री रोज हो गया, और टू कॉलम्स यानी कि ज़ीरो वन, ये टू कॉलम्स हो गए और ये थ्री रोज हो गए। ठीक है, यहाँ मैं इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉलम ना लगे, तो ये रो है। ठीक है, थ्री रो है और ये कॉलम्स है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ लिखा साइज लिखा, तो ये हम इससे हमारे पास क्या आया, थ्री रोज आया और टू कॉलम्स आया। अब जब हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं इस तरह से, जब हम वैल्यू इसमें डालेंगे
वैल्यू जब हम डाल रहे हैं तो ये किस तरह से लोकेशन में स्टोर होगा वो देखिए। ये जो पहला वन है ये यहाँ स्टोर होगा, ये दूसरा जो सिक्स है ये यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टोर होगा फाइव यहाँ, ये टू यहाँ, थ्री यहाँ और फोर यहाँ, ठीक है। इस तरह से ये जो डाटा होगा आपका, जो भी इनपुट होगा, जो भी वैल्यू होगा आपका, इस तरह से लोकेशन में स्टोर होगा, ठीक है। इस तरह से स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं कहूँ कि आप मुझे फाइव का लोकेशन बताइए, तो आप लोग इसका लोकेशन मुझे कैसे फाइंड करके दीजिएगा। तो देखिए इसका इसका लोकेशन कैसे फाइंड करना है आपको, ए ये फाइव कहाँ है, देखिए रो वन में और कॉलम जीरो में, ये आपका हो गया फाइव का, ये जो है आपका फाइव का लोकेशन हुआ, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, फाइव है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं, ये सारे वैल्यूज़ इस तरह से यहाँ स्टोर होते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक एक एलिमेंट का, एक एक एलिमेंट का लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये एक तरीका है डिक्लेयर करने का, वैलिड डिक्लेरेशन है ये आपको इरोर नहीं मिलेगा इस तरह से आप अगर डिक्लेयर करते हैं तो अपने एरे को, ठीक है, 2D एरे को। तो ये एक तरीका हुआ। अभी दूसरा तरीका हमारे पास ये है, ये तरीका और ये तरीका दोनों बिल्कुल सेम है, और जो भी यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि लोकेशन कैसे स्टोर होता है, लोकेशन कैसे क्रिएट होता है और लोकेशन के कैसे हम लोग पता लगाएंगे, ये सब कुछ बिल्कुल सेम है। ये दोनों बिल्कुल सेम डिक्लेरेशन का है, लेकिन इसमें लिखने की जो लिखने का जो तरीका है वह अलग अलग। यहाँ मैंने हर रॉ में एक सेट ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, हर रॉ में, लेकिन यहाँ सिर्फ एक सेट ब्रैकेट के साथ ही सारे एलिमेंट्स को या फिर सारे वैल्यूज़ को लिख दिया गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इससे आपकी रिडेबिलिटी जो है ज़्यादा है। आपको समझ में आ रहा है कहाँ ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, लेकिन इसमें आपको पता नहीं चल पाएगा जब तक आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओ कि हाँ ये मेरा फर्स्ट रो, ये मेरा सेकेंड रो, ये इस तरह से मेरा स्टोर होता जाएगा, ठीक है। जिससे रिडेबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग प्रिफेयर करते हैं कि इसको यूज़ किया जाए। ओके ओके, देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इनिशियलाइजेशन ही अभी चलेगा, ठीक है पूरा। तो ये एक थर्ड टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन है, जिसमें क्या होगा एक्चुअली, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंट ए थ्री रोज और टू कॉलम्स, ठीक है। थ्री रोज पहले हम लोग देख लेते हैं, जीरो वन टू, जीरो वन टू, कुल मिलाकर कितने, तीन रोज क्रिएट हो गए, ये रॉज हो गए, ठीक है। अभी टू यहाँ लिखा हुआ, यानी कि ये कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कॉलम क्रिएट करके हमें देगा वन, सॉरी जीरो वन, तो ये कॉलम है हमारा। अब जब हम इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं तो क्या होता है, देखिए इस तरह से ये पहला रो हमारा बनेगा, लोग जानते हैं कि हमारा पहला रो बनेगा, तो यहाँ सिर्फ वैल्यू वन आएगा, और चूंकि यहाँ एक और वैल्यू होना चाहिए था कॉमा के बाद ताकि यहाँ स्टोर हो सके, चूंकि यहाँ नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या ले लेगा, जीरो। ओके, जिस तरह ये फाइव टू है तो यहाँ आपका फाइव आएगा सेकेंड रो में, थर्ड रो में सिक्स यहाँ आएगा, और यहाँ चूंकि कुछ भी नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू जो है असाइन होगा और मेमोरी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका अगर मेमोरी में निकालने के लिए बोलूं तो आप निकाल सकते हो कैसे, ए जीरो जीरो। ओके, तो ये एक तरीका, याद रखिएगा कि सेट ब्रैकेट देना है और इनर सेट ब्रैकेट देकर हमें हर एक रो को लिखना है, ठीक है। और एट द एंड क्लोज सेट ब्रैकेट देकर इसे हमें बंद कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका है डिक्लेरेशन का, वैलिड डिक्लेरेशन का 2D एरे में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक ये तरीका है, ये तरीका इस तरीके पर क्या है कि आपने इंट ए बी सी लिखा, ठीक है। यहाँ
आपको साइज रो की, रो का जो यहाँ साइज देते हैं हम लोग, यहाँ क्या ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है रो के लिए होता है, ठीक है। तो रो का साइज अगर आप नहीं भी दे रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है, नहीं भी दे तो आपका चलेगा, ठीक है। आपका ये सही तरीके से काम करेगा विदाउट इरोर, ओके। ये जानता है कि टू कॉलम्स को क्रिएट करना है, तो 0 1, बाकी ये खुद ब खुद कर लेगा 1 2 3 4। इसको समझ में आ गया कि मुझे इस तरह से रखना है, यानी कि मुझे रो कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेता है ये, ओके। तो ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन है, ओके। और आप चाहें तो यहाँ जैसे कि यहाँ आपने ब्लैंक लिख कर ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ आप चाहें तो इसमें सेट ब्रेकेट दे सकते हैं, इस तरह से इसको, इसकी रिडेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा 2 रॉज है, ओके। तो ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है। अभी नीचे आते हैं हम लोग, नीचे यहाँ देखिए ये इनवैलिड डिक्लेरेशन मैंने लिखा हुआ है, कैसे, जब हम लोग ना रो में कोई साइज देते हैं और ना ही कॉलम में कोई साइज देते हैं, तो इसको ये पता नहीं चल पाता है कि इसको कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ स्टोर नहीं करना है। तो ये क्या है, ये आपका इनवैलिड डिक्लेरेशन है। एट लिस्ट आपको मीन्स नॉट एट लिस्ट, आपको ये सेकंड साइज जो है कॉलम का साइज ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ इसको अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपका ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। रो आपने नहीं दिया तो चलेगा, रो ऑप्शनल होता है, नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन कॉलम आपको देना मस्ट। कॉलम अगर आप नहीं देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, डिक्लेरेशन आपको इरर मिलेगा प्रोग्राम रन करते वक्त 2D array में, ओके। उसी तरह ये भी है, यहाँ आपने रॉ रॉ में तो साइज दे दिया लेकिन आपने कॉलम में नहीं दिया, तो भी ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रॉ ऑप्शनल है लेकिन कॉलम एकदम नेसेसरी है, आपको देना ही है, ओके ओके। देन आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी हम लोग क्या करना, इसमें क्या है कि हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, हम इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ इस तरह से जब डिक्लेयर करते हैं इसको तो कौन कौन सा वैलिड होता है, सिर्फ ये एक वैलिड होगा जिसमें आपको दोनों कॉल सॉरी रो और कॉलम दोनों का साइज डिफाइन करना पड़ेगा। दोनों का साइज अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो आपकी बाकी जो जो भी कंडीशंस जिस भी तरह तरीके से आप बना सकते हैं इसको, वो सारी की सारी क्या होगी, इनवैलिड होगी, गलत होगी, ठीक है। ये एक भी आपका काम नहीं करेगा, चाहे आप इस तरह से लिखो दोनों, ना रो में कोई साइज दो ना कॉलम में कोई साइज दो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ये इनवैलिड हो जाएगा, आपको एरर मिलेगा। अगर आप जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा होता है कि रो ऑप्शनल होता है, सिर्फ कॉलम देने से आपका प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन नहीं, जब आप इस तरह से डिक्लेयर करते हैं विदाउट वैल्यू असाइन किए हुए, तो आपको रॉ और कॉलम दोनों ही देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। यहाँ ऑप्शनल ये नहीं है, इस सिचुएशन पर ये ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी हो जाता है, दोनों ही चीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह यह भी है, ये तो है ही, ये भी है कि आप यहाँ मतलब जस्ट इतना याद रखिए कि जब आप इस तरह के डिक्लेरेशन कर रहे हो एरे, तो आपको दोनों का साइज देना पड़ेगा, रो और कॉलम का, ओके ओके। देन आई थिंक आगे तो कुछ भी नहीं है, ओके। यही है इनिशियलाइजेशन 2D array का, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट आप प्रैक्टिस कीजिएगा ध्यान से, फिर से बार वीडियो देखिएगा तो आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2D array में डिक्लेरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा डिटेल्स में बनाने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को सही तरीके से डिक्लेरेशन समझ में आ जाए, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं 2D array में ये समझ में आ जाए, ओके ओके। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2D array का एक लाइव एग्जांपल करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, उसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।